जैसे हमारा मुल्क जो है वो सेक्युलर मुल्क है, जिसमें आपको पहनने ओढ़ने और बोलने आजादी है, तो सब अपना धर्म अपनी सभ्यता को लेकर चलते हैं, और इसीलिए है हम भी बुर्के को वो कर रहे हैं कि बुर्के पे पाबंदी ना लगाई जाए। जैसे हमारे संविधान ने हमें आजादी दी है कि हम अपने जो है रिलीजन को लेकर जो है जो चीजें हम कर वो चीजें दायरे में रह के करनी है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और जहां तक मेरा मानना है कि बुर्का एक ऐसी चीज है जिससे किसी को और ना कोई परेशानी होनी चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमसे ही जो है वो कंटिन्यू रहे, और हमारी जो बच्चियां हैं वो बुर्के को कंफर्टेबल मानती है, इसीलिए हम जो हर साल परेड भी करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हम बाकायदा अपनी बच्चियों को बुर्के। मैडम आप क्या कहेंगी? आज एम्स इंस्टीट्यूट ने जो इस साल इंडिपेंडेंस डे निकाला है, जो सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, आज हमने इंडिपेंडेंस डे इक्वालिटी का एक थीम बना के सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें मेल फीमेल अदर जो होते हैं लाइक ट्रांसजेंडर, हम उनको भी क्या करें प्रॉपर इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं। कि जैसे हमारे गवर्नमेंट ने तो उनको प्रॉपर दे दिया इक्वालिटी का एक टैग हो गया, या एक हम बोलते हैं कि बिल पास कर दिया कि उनको भी जैसे मेल हो फीमेल हो प्रॉपर इक्वल लेके चले, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है अभी तक उन्हें वो इक्वालिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हमारा खास मकसद ये है कि हम किसी के लिए दुनिया नहीं बदल सकते, हमारे मुल्क का जो कानून है उस पर उन्हें वो हक दिया है कि वो आज़ादी से अपने पैनर में रहे। हम सिद्ध करते हैं इंसान को इंसान देखा जाए, अजीम सर हर साल देखा गया है कि आपका जो ये एम्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है प्रोग्राम किया जाता है, यहाँ तक कि पिछले साल हमने देखा कि शमीम खान के वहाँ भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के उन्होंने परफॉर्मेंस किया, इस साल क्या क्या कुछ नया रहा? सर इस साल नया ये रहा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजीम है, एम्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का मैं एडमिन प्लस लेक्चरर भी हूँ। इस साल की खासियत ये है कि हमें प्रभाग समिति से परमिशन मिली कि हम अपने रोड पे यहाँ पे टेंट बांधकर हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल पे हमारे बच्चों ने परेड निकाला, फ्लैग होस्टिंग हुई, और अभी हमारा कल्चरल प्रोग्राम हर साल हम मनाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही बच्चियाँ रहती हैं, हिजाब में भी बच्चियाँ हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो हिजाब में नहीं हैं जो बाहर से आती हैं, मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं, सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो और रही बात आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की, तो ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, इसमें हर इंसान को अपनी फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक चीज़ मुहैया की गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिजाब पे बैन करना या ऐसा कुछ करने से मुल्क की तरक्की होगी, उल्टा मुल्क में जो शांति अमन है वो शायद ख़राब हो सकती है। बट मैं चाहूँगा कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो जो हिजाब करती हैं वो करती ही रहे, बस इसके अलावा।